अरे मेरे होते हुए तुम ऐसा सोच रहे हो? मैं करूंगा निवेश, अपना बच्चा है, घर की बात है। नहीं दादा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इतनी लंबी छलांग लगा सकें। और किसी से इतना कर्जा लेना जिसका ब्याज देना भी मुश्किल हो जाए, ये समझदारी नहीं है। तुम भी गजब हो श्रीकांत, अपनों से कर्जा लेने में कैसे शर्माना। चलो मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा, अब बोलो। नहीं दादा, सर पर कर्जा रहेगा तो चैन की नींद भी नहीं आएगी। लेकिन ये कर्जा मैं मेरे नाम पे लूंगा, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। एक ही बात है, तुम समझ नहीं रहे हो, व्यापार जोखिम भरा होता है। लेकिन जोखिम के बगैर उन्नति नहीं होती। दादा मुझे उन्नति से कोई परहेज नहीं है। मैं चाहता हूं कि गोविंदा पहले नौकरी करे, तजुर्बा हासिल करे। अभी अभी इसने अपनी पढ़ाई खत्म की है, इसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। नौकरी करके थोड़े पैसे जमा कर ले, फिर धीरे धीरे व्यापार की शुरुआत करे। कर्ज लेकर मर्ज लेने वाली बात, ये मेरे लिए सही नहीं है। हमारे साई ने तो यही सिखाया है। साई की इज्जत तो मैं भी करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि साई किसी को आगे बढ़ने से रोकेंगे। हाँ बाबा, साई ने कभी मना नहीं किया है, हो सकता है आप उनकी बात सही से समझ नहीं पाए। श्रीकांत, अपने बच्चे पे भरोसा करो, ये तेज है, होनहार है, ये कर लेगा। मुझे गोविंदा पर पूरा भरोसा है, ये मेरा नाम बहुत रोशन करेगा। लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कही, पहले इसे तजुर्बा हासिल करना होगा। और सबसे जरूरी बात, हैसियत से बढ़कर कर्ज लेकर व्यापार करना या किसी और वजह से हैसियत से बढ़कर उधार लेना, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा दादा, चलते हैं। मुझे भी मारुति मंदिर जाना है, साथ में चलते हैं। ठीक है। आराम से। क्या रोज इतनी दूर आना पड़ेगा दूध लेने? हाँ रुको रुको, ये रुको। हाँ चल, मैं बाबा से कहता हूँ, वो दो चार गाय खरीद लेंगे, फिर दूध के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तुम समझते हो तुम्हारे बाबा सब कुछ कर सकते हैं, है ना? सब कुछ, उनके जैसे बाबा किसी के भी नहीं होंगे पूरी दुनिया में। हाँ प्रणाम साई। अब बेटा साई को प्रणाम करो। प्रणाम। राम जी भला करें। माफ कीजिए, मैंने आपको शिरडी में पहली बार देखा है। रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं, हम किसी से जुड़कर भी अनजान रह सकते हैं।
चूतई, ये पद्मिनी है, श्रीकांत के मधुसूदन दादा की पत्नी, आपकी वहिनी। नमस्ते वहिनी। नमस्ते, आपकी सेवैयां बहुत अच्छी थी, धन्यवाद जी। मुझे खुशी हुई सुनकर, आपको शिरडी में बहुत अच्छा लगेगा। साई की छत्रछाया सबको सुख देती है। साई, आप सुबह भिक्षा लिए बगैर ही चले गए, मुझे बड़ी व्याकुलता हुई, कोई गलती हो गई है क्या हमसे? तुम्हें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है पद्मिनी, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो बस वही करता हूं जो राम जी कहते हैं, और शायद राम जी मेरे द्वारा मधुसूदन को कोई संदेश देना चाह रहे थे। पहली, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, और लेकिन साई की किसी बात की चिंता मत कीजिए। साई जो कुछ भी करते हैं उसमें सबकी भलाई छिपी होती है। साई के शरण में इंसान को हर रोग से मुक्ति मिल जाती है। साई जन्म से ही मेरा बेटा देख नहीं सकता, तमाम हकीम, वैद्य, अंग्रेजी डॉक्टर सब लोगों ने देख लिया, मगर कोई इलाज नहीं किया। साधु संतों ने भी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। अब तो बस कर्म कर रही हूँ, पूजा पाठ, दान धर्म, बस इसी चाह में कि अगर मुझे कोई पुण्य मिल जाए तो वो इसे देकर इसका दुख मैं ले लूंगी। और बस इसीलिए जब सुबह आप भिक्षा लिए बगैर ही चले गए तो मुझे बड़ी चिंता हुई साई। पद्मिनी, इस बर्तन में दूध है ना, क्या मैं देख सकता हूं? पद्मिनी, इतने से नमक ने इतना सारा दूध खराब कर दिया। इसी तरह पाप का एक कण पुण्य की राशियों को खत्म कर देता है। तुम्हारा दान पुण्य करना अगर ये दूध है तो तुम्हारे आसपास हो रही बुराई नमक, उसे रोको। बाकी अल्लाह मालिक। साई ने सारा दूध खराब कर दिया।
हाँ, अब इसे फेंक कर नया लाना पड़ेगा। रुको। मुझे यकीन हो गया है कि आप साधारण नहीं हैं। आपकी बात मानने में ही मेरी परिवार की भलाई जरूर है। मधु काका तो गांव में अभी अभी आए हैं, लेकिन लोगों के मन में कितनी इज्जत है उनके लिए। और ये इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो पैसों से लोगों की मदद करते हैं। काश मैं भी अपना व्यापार शुरू कर पाऊं। मैं भी मधु काका जैसा बनना चाहता हूं। मधु भाऊ, शांतनु, ललित, आओ आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। ये श्रीकांत है, मेरे चचेरे भाई, और ये उनका बेटा गोविंदा। नमस्कार। ये दोनों मेरे मित्र हैं, नासिक से। कल ही इन दोनों का पत्र आया था, ये दोनों मुझे यहां मिलने वाले हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। तुम दोनों की अमानत इतने दिन अपने पास रखकर मुझे अजीब लग रहा था। ये लो। दोनों गड्डियों में हजार हजार है। मधु भाऊ, आपने तो हमारे भाग ही खोल दी। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि सिर्फ दो महीने में पैसे दोगुने हो सकते हैं। क्यों, मुझ पर विश्वास नहीं था? अरे मेरा तो काम ही यही है, तुम लोगों से पैसे लेता हूं, बैंक में डालता हूं और दोगने करके तुम्हें वापस दे देता हूं। नहीं नहीं मधु भाऊ, आप पर हमें भरोसा तो पूरा है, लेकिन हमें यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों की पूंजी दो महीने में दोगुनी करते कैसे हैं? सब हनुमान जी की कृपा है। इनकी कृपा से मेरे पास पूर्वजों का बहुत सारा पैसा है, जिसे मैंने बैंक में रखा है। उस पर काफी ब्याज आता है। तुम जैसे सैकड़ों लोग जो मुझे विश्वास से पैसा देते हैं, वो मैं उसी खाते में जमा कर देता हूं, उसका ब्याज और बढ़ जाता है। मुझे उस ब्याज का एक रुपया भी नहीं चाहिए। सरकारी काम से जो मेरी कमाई होती है, उससे मेरा गुजारा
बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए मैं ब्याज की रकम को असल मूल की रकम से मिलाकर दोगुना करके लोगों को वापस दे देता हूं। ये मेरे लिए समाज सेवा है। इसी तरह मैंने तुम दोनों से लिए हुए 500-500 रुपए 1000 करके तुम्हें वापस लौटा दिए। 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कोई भी रकम मेरे पास रख लो, 2 महीने में वो दुगनी हो जाती है। मधुभाऊ, हनुमान जी की कृपा पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मधुभाव। सुनो, संभाल के जाना, नकदी लेके जा रहे हो। जी मधुभाव, हम ध्यान रखेंगे। बोलो बजरंग बली की जय। आप महान है दादा, अपनी मेहनत की कमाई से ही गुजारा करते हैं। अपने हिस्से का ब्याज भी आप लोगों में बांट देते हैं। महान तो हनुमान जी है श्रीकांत, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मुझे लोभ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, तभी तो मैं लोगों की सेवा खुल के कर पाता हूं। अच्छा सुनो, गांव की सीमा पर मुझे कुछ काम है, तुम्हारा घर रास्ते में ही पड़ता है ना? जी, साथ में चलते हैं। ठीक है। सुना आप लोगों ने, 2 महीने में पैसे दोगुने। धन्यवाद साईं। जी सर। आज आपसे मैंने जो कहा उस पर गौर कीजिएगा। मैं साकोरी जा रहा हूं, अगर मेरी जरूरत पड़े तो आवाज दे दीजिए। जी, मगर साई, कुछ होने वाला है क्या? मेरा मतलब है, कोई अंदेशा? मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। सुन भाई। जी आई। क्या हुआ आई? पोथी पढ़ने के लिए सख्त आसन में बैठ के घुटनों में दर्द होने लगा है। अब उम्र भी होने लगी है और तुम्हें तो मेरा ख्याल ही नहीं रहता आई। आज ही मधु से कहकर मेरे लिए गद्दी वाला आसन बनवा लेना, कम से कम शांति से उस पे बैठ के पोथी तो पढ़ लूंगी। जी आई।
आई। आई, आपसे कुछ पूछना था। क्या? आई, श्रीकांत भाऊ जी जब इनके पिताजी के बारे में बात कर रहे थे तो आप और ये इतने बेचैन क्यों हो गए थे? नहीं, मतलब मैंने इनसे कई बार पूछा पर ये पुरानी बातें कभी नहीं बताते। मैंने आपसे भी सुना है और आज भाऊ जी भी कह रहे थे कि ससुर जी बहुत ही दयावान और दानी थे। आई, ऐसा क्या हो गया कि ये अपने पिता से इतने विपरीत चले गए? सुन भाई, कुछ जख्म ऐसे होते हैं उसे ना ही कर दो तो ही अच्छा होता है। पर आई, वो आपके पति थे, क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा भी उन्हीं के आदर्शों पे चले? कभी नहीं, क्योंकि उन आदर्शों के साथ आती है मुश्किलें, परेशानियां, दुख और गरीबी। और फिर कभी मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। और जीवन में पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन आई, पैसे सच्चाई से भी तो कमाए जा सकते हैं ना? क्या उसके लिए जरूरी है कि लोगों को पैसे दुगने करने का झूठा लालच दे, उनकी जमा पूंजी ले, उन्हें झूठे सपने दिखाए? इस तरीके से कमाए हुए पैसों में बरकत है क्या आई? किस चीज की कमी है हमारे पास? अगर भगवान को ये मंजूर नहीं होता तो वो हमें सजा दे देती, हमारी झोली पैसों से भर नहीं देता। हमारा गौतम देख नहीं सकता, इससे बड़ी सजा और क्या होगी आई? वो सजा तेरे कारण ही मिली है। इस बेचारे को तूने ऐसा ही पैदा किया है, सब तेरी गलती है जिसे तू अब मेरे बेटे के काम पे थोप रही है। आई, गौतम का दृष्टिहीन होना प्राकृतिक हो सकता है, मगर मेरा यकीन है लोगों की दुआएं, बददुआएं हमारे जीवन पर असर करती है। आई, अगर हम अच्छे काम करेंगे ना तो मुझे उम्मीद है लोगों की दुआओं से हमारा गौतम ठीक हो सकता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तो अच्छे दिन आए हैं हमारे, और तू चाहती है कि फिर से उसी गरीबी में हम चले जाए? खबरदार, तूने मधु को रोकने की सोची भी तो मैं फिर से वो गरीबी वाले दिन नहीं झेल सकती। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी मुश्किल से तो अच्छे दिन आए हैं हमारे, और तू चाहती है कि फिर से उसी गरीबी में हम चले जाए? खबरदार, तूने मधु को रोकने की सोची भी तो मैं फिर से वो गरीबी वाले दिन नहीं झेल सकती। कई साल मैंने अपने बेटे को छोटी छोटी चीजों के लिए तड़पते हुए देखा है, दो पैसों के लिए खून पसीना बहाते हुए देखा है। अब मेरी ज्यादा उम्र नहीं बची है, कम से कम जाते जाते मुझे मेरा सुखी और संपन्न परिवार देखने दे। मैं फिर से अपने बेटे को उसी गरीबी में जाते नहीं देख सकती। अगर जाते हुए भी मैं अपने बेटे को उसी गरीबी में देखूंगी तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। क्या यही चाहती है तू?
पाप का एक कण पुण्य की राशियों को खत्म कर देता है। तुम्हारा दान पुण्य करना अगर ये दूध है तो तुम्हारे आसपास हो रही बुराई नमक उसे रोको। आपको दुख देने का कोई इरादा नहीं था ही, लेकिन ये मेरा भी परिवार है, इन्हें सही रास्ते पर वापस ले आना धर्म है मेरा, और ये धर्म मुझे निभाना ही होगा। इनके गलत काम रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? गोलू, क्या कर रहे हो तुम? ये कोई खेलने की जगह है क्या? आई, घर चलो ना। अभी नहीं बेटा, अभी तो मुझे बगल वाली काकी के घर भी जाना है, अनाज साफ करने में उनकी मदद करनी है। लेकिन आए, आपने अभी अपना अनाज तो साफ किया ही नहीं। साई कहते हैं कि दूसरों की मदद के लिए कभी ना नहीं कहते। आज मैं काकी की मदद करूंगी और कल काकी मेरी। ऐसे ही एक दूसरे की मदद करके तो दुनिया चलती है। अच्छा तुम रुको, मैं जल्दी आती हूँ, और तब तक कोई शैतानी मत करना। आई, मैं कभी कोई शैतानी करता हूँ क्या? Ooh.
गोदाम से धुआं क्यों आ रहा है? सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए, भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे धर के हृदय में रूप हरि का, करते जा हर काम सच्चे मन से, जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए, प्रभु जी करे प्रभु जी करे सहाय। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। गोलू गोलू मेरा बच्चा। मुझे नहीं पता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने साई का नाम स्मरण किया तो अचानक से ऊपर से पानी आने लगा तो मैं भीग गया और सारी आग बुझ गई। ये मेरे साई का ही चमत्कार है। आपका लाख लाख धन्यवाद साई कि आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। राम जी भला करें।
हमने सब ठीक किया ना? अब इतने सारे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बाद गलती कैसे हो सकती है तुम दोनों से? हमें आशा है कि हर जगह की तरह यहां भी हमारा यह नाटक फलीभूत होगा और आपको मुनाफा होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया में जगह कोई भी हो, लेकिन इंसान की फितरत एक जैसी होती है। इंसान की कमजोरी है उसका लोभ, और वो कमजोरी मेरी ताकत है। तुम देखना, मंदिर में बैठे उन दो चार लोगों ने ये बात शिरडी के 400 लोगों तक पहुंचा दी होगी। मुझे यकीन है दो दिन में लोग मेरे पास खुद ही आएंगे इस योजना के बारे में पूछते हुए, हाथों में पैसे लेकर। लेकिन मधुभाव, आप जिस गांव भी जाते हैं कोई ऐसा बंदा जरूर पकड़ते हैं जो आपका सहायक बन के काम करे। इस बार कोई मिला? मिला तो है, पर अब तक आया नहीं। आज नहीं तो कल वो आएगा जरूर। लक्ष्मी, क्या हुआ? बाबा से पूछे, वो जानते हैं। फिर वही बात, बाबा ने कहा ना तुझसे, इतनी पूंजी नहीं है इनके पास, फिर भी तू। मैं समझता हूं भाई, पर सच कहूं तो बाबा पर बोझ बनकर व्यापार मुझे भी नहीं करना है। लेकिन अब तो इतना अच्छा अवसर मिला है, मधु काका पैसे दे रहे, तो उसमें क्या बुराई है? परिवार वालों की मदद लेना कहां बुरा है? और फिर पैसे मैं लौटा दूंगा, आप लोगों को एक पाई नहीं देनी होगी, सब कुछ मैं चुका दूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मुझ पे विश्वास तो कीजिए एक बार। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन हर चीज का एक समय भी होता। तुम अभी 20 साल के भी नहीं हुए हो, थोड़ा तो इंतजार करो। इंतजार? कब तक इंतजार करूं बाबा? आपके हिसाब से तो मैं कभी तैयार ही नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है गोविंदा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि नौकरी करके तुम कुछ पैसे कमा लो, थोड़ा तजुर्बा हासिल कर लो। आप भी तो इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, आपने कौन से पैसे जमा कर लिए? आज जब जरूरत पड़ी है तो कुछ भी नहीं हमारे पास, कल को कोई मुसीबत आ गई तो उसके लिए भी कुछ नहीं है इस घर में। गोविंदा, ये कैसी बातें कर रहा है तू? आज तक किसी चीज की कमी होने दी तेरे बाबा ने तुझे? आई, मैं मानता हूं बाबा ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता मेरे लिए। इनके प्यार का कर्ज तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकता। इनकी सारी उम्र मेहनत करने के बाद भी हमारे पास मुसीबत के वक्त के लिए 4 पैसे नहीं जुड़ पाए। आप लोगों ने शायद भुला दिया, लेकिन मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे लगा था कि मैं आपको खो दूंगा। हम त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गए थे और अचानक आई की तबीयत खराब हो गई थी। तब हमारे पास साई की उदी नहीं थी और वापस आने की आई की हालत नहीं थी। क्या हुआ वैद्य जी? इनके हालात ठीक नहीं है, मेरी दवाइयों से इनका इलाज नहीं हो सकता। पास के ही अंग्रेजी अस्पताल है, वहां लेके जाइए, वहां इनका इलाज अच्छे से हो सकता है। आप मुझे अभी वहां ले चलिए, मैं बात करके आता हूं। चलिए। Thank you.
क्या कहा डॉक्टर ने बाबा, हम आई को लेके चले? क्या हुआ बाबा, बोलिए ना। जीव को अस्पताल में 3 हफ्ता रखना पड़ेगा, पूरे इलाज में 200-300 रुपए लगेंगे। तो दे देते बाबा। होते तो बिना सोचे दे दिए होते। तो फिर अंग्रेजी इलाज करा पाना हमारी हैसियत के बाहर है बेटा। तो क्या आई? नहीं गोविंदा, तुम्हारी आई को कुछ नहीं होगा। हम भले ही शिरडी से दूर हैं, लेकिन साईं हमारे करीब है। वो तुम्हारी आई को कुछ नहीं होने देंगे। साईं पर भरोसा रखो। उस दिन मैं ये सोच के हिल गया कि पैसों की कमी के वजह से शायद मैं आपको खो दूंगा आई। वो 2 दिन मेरे जीवन के सबसे दुखद और कठिन दिन थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मेरी आई जिएगी या नहीं। और फिर साई का चमत्कार हुआ। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात। चिंता मत कीजिए चूतई, हिम्मत टूटे आपको कुछ नहीं होगा। समझ न आए तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के, बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के, बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। आप जल्दी ही अच्छे होंगे। जीव साई, साई खुद आए थे मुझे उदी देने। क्या? हाँ, मुझे अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। उन 48 घंटों ने मुझे सिखा दिया कि अगर पैसे सब कुछ नहीं भी हो, लेकिन बहुत कुछ होते हैं। लेकिन साईं ने उस समय भी आकर हमारी मदद की थी, फिर तुम्हें चिंता किस बात की? साईं तो सबकी मदद करते, लेकिन हर बात के लिए उन्हें परेशान करना या हर इच्छा उनके भरोसे छोड़ना, ये भी तो ठीक नहीं है। और फिर साईं खुद कहते कि भगवान के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ते।
क्योंकि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो हार नहीं मानता। पर फिर जीवन में किसी पर निर्भर रहना भी तो ठीक नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि हम हमेशा इतनी कंगाली में रहे कि मैं अपनी आई को बीमार देखूं और कुछ कर ना सकूं। मुझे किसी भी हालत में इस काबिल बनना है कि मैं आप दोनों का ख्याल तो रख ही सकूं। मुझे माफ कर दो गोविंदा कि उस वक्त मैं इतना बेबस था। जिंदगी में परेशानियां तो आती रहती हैं, धन चाहे कितना भी क्यों ना हो सकता है कि कभी ना कभी वो सारा धन भी कम पड़ जाए। भले ही आज आप मेरा नजरिया नहीं समझ पा रहे लेकिन एक दिन जरूर समझेंगे। लेकिन मैं उस दिन का इंतजार नहीं करना चाहता। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं जाऊंगा और काका से पैसे लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं गोविंदा, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने दादा से पैसे मांगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जाऊंगा और काका से पैसे लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं गोविंदा, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने दादा से पैसे मांगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते मैं उनसे पैसे लूं, तो उनके खाते में डालने के लिए मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए। आपने सुना ना, 2 महीने में पैसे 2 गुने। आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा और मुनाफे वाले हिस्से से मैं व्यापार करूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो गोविंदा? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें पैसे देने से कभी भी मना नहीं करता। मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। शिरडी का गरीब से गरीब पिता भी अपने बच्चों की थोड़ी चिंता करता है, उनके लिए पैसे जोड़ता है। लेकिन एक मेरे ही पिता है पूरे गांव में जो मुझे तरक्की करते देखना ही नहीं चाहते। अपनी जिद पूरी करने के लिए मेरा भविष्य खराब कर रहे हैं। गोविंदा, मती मारी गई है तुम्हारी। आज तक तुम्हारे बाबा ने सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है और तुम उन पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने क्या गलत कहा? इनके संपत्ति में मेरा अधिकार है या नहीं? अधिकार है ना? अधिकार ये ले। अधिकार लेकिन साईं, इस बांस का आप करेंगे क्या? अब्दुल, पशुओं के लिए हमने जो शरण स्थल बनाया था वो बुरे हाल में है। ये बांस उसी की मरम्मत के काम आएंगे। क्या हुआ साईं? वो देखो। विवाह!
बहुत भारी ऐसा है, बीवा का दम घुट जाएगा और यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है। रहम मालिक। विवा, ये क्या कर रहे थे तुम? अगर हम यहां नहीं होते तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। साईं, पैसों की लालच में बहक गया था मैं। इस बोरी को गोदाम तक ले जाने के 3 रुपए मिल रहे थे और इतने पैसे तो मैं 3 दिन में भी नहीं कमा पाता हूं। विवा, मेहनत से कुछ पाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन तुमने सिर्फ ये सोचा कि अगर ये काम तुम करोगे तो क्या पाओगे, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर नहीं कर पाए तो क्या खोना पड़ेगा। जीवन में हर बात का पक्ष विपक्ष ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी उन्नति होती है। लेकिन किसी लालच, गुस्से या डर में उठाया हुआ कदम हमें जीवन की राह में कई कदम पीछे ले जा सकता है। आप ठीक कह रहे साईं। राम जी भला करें। गोविंदा, गोविंदा रुक जा, गोविंदा, 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 क्या हो रहा है आपको? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। साई, कहाँ है आप? साई, मदद कीजिए। यही हूं मैं। साई देखिए इन्हें क्या हो गया। थोड़ा शहद पानी में घोल कर ले आई। हाँ, अभी लाती हूँ, अभी नहीं।
ठीक तो है ना? धन्यवाद साई। आप नहीं आते तो? आप चिंता क्यों कर रही थी चूताई? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आवाज दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। इंसान की जुबान उसकी सबसे बड़ी धरोहर है। एक बार किसी को जुबान दे दी तो कभी नहीं मुकरना चाहिए। साईं, गोविंदा को कैसे समझाऊं, कैसे रोकूं उसे? श्रीकांत, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, ना ही आगे बढ़ा सकता है। हम तो बस अपना कर्म कर सकते हैं, जैसा आप कर रहे हैं गोविंदा को समझाकर। बाकी अल्लाह मालिक। श्रीकांत, अब आप आराम कर लो, आपको आराम की जरूरत है। श्रीकांत, एक बात याद रखना, हर बीमारी ठीक होने में अपना वक्त लेती है, तब तक वो अपना पूरा असर दिखाती है। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। कैसे नहीं देगा? हाँ, तुझे पता है ना कि हमें मना करने का मतलब है कि सीधा सीधा कुलकर्णी सरकार को मना करना। हम जब चाहे जितनी सब्जियां चाहे लेके जा सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक कि हमसे पैसा मांग ले। समझा? मैं गरीब आदमी हूँ संता जी, अगर आप लोग ये मेरी सारी सब्जियां मुफ्त में ले जाओगे तो मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगा? और मेरे घर में अनाज नहीं है, ये सब बेच के मैं अनाज लाने वाला था। तेरे घर में अनाज नहीं है वो तेरी समस्या है। ये क्या कर रहे हैं आप दोनों? इस तरह जबरदस्ती किसी का सामान लेना चोरी है। पंता जी, अब ये चूजा सिखाएगा हमें। चल अपने घर जा, चल। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई आप दोनों की? भूल गए वो दिन जब मेरी जी उजरी करते थे, मुझे अपने कंधे पे उठा उठा के घूमते थे। हमारा सीधा हिसाब है,
जब तक कुलकर्णी सरकार के कुछ लगते हो तो हमारे लगते हो, उनके नहीं तो हमारे कुछ भी नहीं लगते हो। सब तेरी माँ की गलती है, विधवा थी, आराम से रहती अपने भाई के घर में, जो इस शिरडी का सबसे अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन तेरी माँ को दूसरी शादी करनी थी उस फटीचर अध्यापक श्रीकांत के साथ, और तेरा भाग्य तो फूट गया। अब वैसे अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो अपनी जेब से पैसे दे दो। लेकिन संता जी, जिनकी खुद की जेब खाली हो वो दूसरों की मदद कैसे कर सकता है? सही कहा बंता जी, सही कहा। ये भी लेके जा रहा हूँ, चलो बंता जी। कितने का नुकसान हुआ? जो भी नुकसान हुआ मैं भर देता हूं। लेकिन आप क्यों देंगे? दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ बुरे लोगों के बुरे बर्ताव की वजह से आपका इंसानियत पर से विश्वास ही उठ जाए। कहिए कितने पैसे हुए? 4 रुपए। ये लीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी बाबूजी। गोविंदा, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि तुम में हिम्मत है। एक जरूरतमंद की मदद के लिए तुमने आवाज उठाई। तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। लेकिन काका, अगर जेब में पैसे ही ना हो तो आवाज उठाने का कोई मतलब ही नहीं। तुम बहुत परेशान लग रहे हो, आओ कहीं बैठ के बात करते हैं। चलो। ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, इसलिए इस दुनिया में जितनी भी निस्वार्थ सेवा फैलाई जाए कम है। मैं भी तो यही चाहता हूं काका, लेकिन आपने देखा ना, मदद करने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकता हूं। पता नहीं लोग पैसों को इतना बुरा क्यों समझते हैं। सच तो ये है कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं। जब मेरे जीवन में मुश्किलें आई थी तो पैसों ने ही मेरी मदद की थी। पैसा बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे बाबा बड़े ही सीधे साधे इंसान हैं। पैसे का कोई मोह ही नहीं है उन्हें, इसीलिए मेरी बात समझते ही नहीं है वो। जीवन में पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अफसोस कि इस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारे पिता का समर्थन नहीं है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारे पिता समान ही हूं। मैं करूंगा तुम्हारा समर्थन। तुम मुझसे पैसे ले लो, मैं तुमसे ब्याज नहीं लूंगा और किसी को बताऊंगा भी नहीं। और जब तुम्हारा कारोबार चल जाए तब तुम वो पैसे लौटा देना, और तुम्हारी तरक्की देखकर तुम्हारे पिता की आंखें भी खुल जाएंगी। तुमने सही कहा, श्रीकांत बड़ा सीधा साधा है। रंग से राजा बनने की कहानी उसने सच होते हुए कभी नहीं देखी, इसलिए तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम अपना कर्म करो
और अपनी काबिलियत से अपने पिता का विश्वास जीतो। देखना, वो खुद अपनी गलती मानेंगे और छाती ठोक कर कहेंगे कि उन्हें तुम पर गर्व है। मैं जाऊंगा और काका से पैसे लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं गोविंदा, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने दादा से पैसे मांगे तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बाबा ने कसम दी है अपनी, हम में लाख मतभेद सही, वो बाबा है मेरे, उनकी दी हुई कसम नहीं तोड़ सकता। मैं समझता हूं, लेकिन अगर उधार नहीं ले सकते हो तो कुछ पैसे जमा कर दो मेरे खाते में। जब मैं बाहर वालों की मदद के लिए ये सब करता हूं तो अपने भतीजे के लिए तो कर ही सकता हूं ना। और तुम्हें 2 महीने रुकने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं तुरंत तुम्हें दुगने पैसे दे दूंगा और जब बैंक में पैसे आएंगे वो मैं रख लूंगा। वो तो कर्ज नहीं हुआ ना, वो तो तुम्हारे हक के पैसे हैं। दो महीने में पैसे 2 गुने, आपके पैसे मैं आपको लौटा दूंगा और मुनाफे वाले हिस्से से मैं व्यापार करूंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो गोविंदा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें पैसे देने से कभी भी मना नहीं करता। काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन जमा करने के लिए भी पैसे कहाँ हैं मेरे पास? सोच लो, कोई तो रास्ता होगा। अगर कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाए तो तुम्हारे भविष्य का सवाल है। आज धुनी की आंच कुछ ज्यादा नहीं है। अब्दुल, ये धुनी शिरडी में कब से चल रही है? इस गांव की एक सदस्य बन चुकी है ये। गांव के हर इंसान को ये अपना समझती है और इसीलिए जब कोई अपना गलती करता है तो ये भड़क कर ऐसे ही अपना क्रोध और दुख जाहिर करती है। गलती? किसने गलती की है साईं?